गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये जो हमारी बुक है वो क्लास सेवेंथ क्लास के लिए है, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंटीजर्स, ठीक है। इसका मैंने आपको असाइनमेंट इससे रिलेटेड एक बार पहले भी दे चुकी हूँ, ठीक है, जिसके बारे में आपको इंटीजर्स के बारे में मालूम होगा अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट किया होगा तो। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएँ, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। मैंने आपको एक बार और सिक्स क्लास में बताया था कि वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर ड्रॉ हो जाए, ठीक है, जो नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर पाए, चाहे वो माइनस के डिजिट्स हो चाहे वो प्लस वाले डिजिट्स हो, ठीक है, वो सारे डिजिट्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में आ जाते हैं। ओके, तो पहले हम छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से कितने तरीके नंबर होते हैं। पहला हमारा नंबर होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स से पहले हमें नेचुरल नंबर होल नंबर के बारे में जानना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो ये वन से शुरू होने वाले, वन से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, किससे शुरू होते हैं, वन से शुरू होते हैं, ठीक है, वन टू थ्री फोर, और गिनती जो आपको मालूम है काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आपके होल नंबर्स आते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से एंड होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं ज़ीरो, वन टू थ्री। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता और होल नंबर में ज़ीरो आता है, ठीक है, तो ये दो तरीके के नंबर हो गए, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं, अब हम इंटीजर्स पे पहुँचेंगे, अब हम किस पे पहुँचेंगे, इंटीजर्स पे। मैंने आपको बताया जो इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन से आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा। देखो, नंबर लाइन में सबसे बीच में मिडल में क्या होता है, ज़ीरो, क्या होता है, ज़ीरो, और राइट हैंड के साइड में होता है, राइट हैंड के साइड में होता है, ठीक है, राइट हैंड के साइड में हम सारे पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे राइट हैंड साइड पे प्लॉट होते हैं और ज़ीरो से लेफ्ट हैंड पे हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स प्लॉट होते हैं। कौन से इंटीजर्स प्लॉट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव मतलब प्लस इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल ज़ीरो, वन टू थ्री फोर, ये सारे पॉजिटिव है, इसके आगे माइनस तो नहीं लगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ज़ीरो से लेफ्ट साइड, राइट साइड में, मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड में प्लॉट होते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो ये कौन से इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से वाले, ये वाले, कौन से वाले, ये वाले हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। इसके बाद हम पहुँचे नेगेटिव इंटीजर्स पे, ठीक है, नंबर लाइन में नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में प्लॉट होते हैं, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में आपको दिखता है, आपने उल्टे हाथ की तरफ ज़ीरो से आप उल्टे हाथ की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स को आप शो कर सकते हैं, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है, ऐसे आप प्लॉट लेफ्ट साइड में करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि नंबर लाइन पे ज़ीरो के राइट साइड में आप शो करेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में शो करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स एक तरीके से सारे होते हैं, उसमें पॉजिटिव भी नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंटीजर्स को देखेंगे, ठीक है, जो एक ही नंबर लाइन में दोनों दोनों तरीके के इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो हो रखे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, जैसे बी मिडल में क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये आपको दिख रहा होगा, और लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है। नंबर लाइन का यूज़ आप किसी डिजिट को बड़ा और छोटा बताने में, ठीक है, कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है, ठीक है, इसको बताने में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए ये ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो से राइट हैंड साइड में जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे नंबर बड़े होते जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में नंबर क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, जैसे वन, ठीक है, वन से अब ये और राइट हैंड में जा रहे हैं, फाइव ले लीजिए, तो वन बड़ा है या फिर फाइव बड़ा है, फाइव, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हम जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है, क्या होते चले जाते हैं, इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं। और वहीं अगर हम लेफ्ट साइड में पहुंचते हैं तो नंबर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्या होना शुरू हो जाता है, घटना, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि माइनस वन और माइनस फोर है, ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, माइनस वन बड़ा होगा, ठीक है, माइनस फोर छोटा होता है, जिसके साथ माइनस लग जाता है तो जो ज़्यादा बड़ा होगा वो छोटा होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर कम 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 होते चले जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि माइनस हंड्रेड बड़ा है या फिर माइनस वन, ठीक है, तो
माइनस वन बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, माइनस वन बड़ा होगा, और माइनस हंड्रेड क्या होगा, छोटा। पर यहीं से अगर मैं माइनस रिमूव कर दूँ, सिर्फ बोलूँ कि हंड्रेड बड़ा है, कि हंड्रेड बड़ा है या फिर वन बड़ा है, इधर माइनस तो नहीं लगा हुआ, तो कौन सा बड़ा होगा, हंड्रेड बड़ा होगा। तो आप कौन सा डिजिट, कौन सा शो करेंगे, इस तरफ आप इसको शो करेंगे कि हंड्रेड बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ, और इधर माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला ही बड़ा होगा। ये आपको समझ में आ गया कि माइनस क्या करता है, माइनस जिसके साथ लगा हुआ होता है वो जितना बड़ा नंबर होगा वो छोटा ही होता है, छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक हमें नंबर लाइन गिवन है, ठीक है, इससे समझते हैं कि आखिर नंबर लाइन कैसे कैसे बढ़ता है, ठीक है, कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स शो होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एफ क्या है, माइनस टू, ठीक है, और ई क्या है, माइनस थ्री। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है, घट रहा है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन होगा, और माइनस टू से पहले क्या आएगा, माइनस वन। तो यानी कि जी क्या है, माइनस वन। तो फिर एच क्या होगा, बीच में बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो, और जीरो के बाद क्या आएगा, वन प्लस का वन, क्योंकि हमें मालूम है ना कि जीरो के बाद जब राइट हैंड में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव निशान नहीं लगते, ठीक है, आपने सिक्स क्लास में भी सीखा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, तो इसमें माइनस का निशान, जो साइन जो होता है, माइनस का साइन शो नहीं होगा, ठीक है, तो माइनस वन, टू, थ्री, फोर, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ठीक है। तो अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ, जैसे कि के पर है, ठीक है, तो के कौन सा इंटीजर शो कर रहा है, के कर रहा है प्लस थ्री, ठीक है, थ्री हमें शो कर रहा है, और एल फोर, एम फाइव, एन सिक्स, ओ सेवन, ठीक है, तो ये ऐसे शो कर रहा है। और अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जी क्या है, माइनस वन, F क्या है, माइनस टू, E क्या है, माइनस थ्री, D क्या है, माइनस फोर होगा, ठीक है, अगर प्लॉट करने के लिए होगा तो, और C क्या है, माइनस फाइव, B क्या है, माइनस सिक्स, A क्या है, माइनस सेवन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपका, आप लोगों ने बुक ले ली होगी, क्योंकि बेटा बुक के बिना काम नहीं होगा, आप अपनी नोटबुक लीजिए, स्कूल से बुक लीजिए, और ये आपका काम है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे B, D, H, J, M, O, ये सारे कौन से डिजिट शो कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा इंटीजर शो कर रहे हैं वो आपको प्लॉट करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको एज इट इज़ आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में, और इन सब को कि ये कौन सा शो कर रहा है, कौन से नंबर को शो कर रहा है, आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क होगा, अरेंज माइनस फाइव, फाइव, फोर, माइनस वन, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, बढ़ते क्रम में, पहले क्या होगा, पहले छोटा होगा, ठीक है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको नंबर लाइंस के साथ बताया कि कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस वाले जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि माइनस फाइव छोटा है, ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा, माइनस वन, फिर प्लस फोर, और फिर प्लस फाइव, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होगा आपका, ठीक है। तो इसमें अरेंज किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमारे पास फाइव, चार डिजिट है, एक तो माइनस फाइव है, ठीक है, एक क्या है फाइव, फिर फोर, और माइनस वन। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या होगा, मैंने आपको बताया था माइनस, अगर माइनस किसी के साथ लगा हुआ वही सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा है पर ये सबसे छोटा ही होगा, तो माइनस फाइव, उसके बाद माइनस वन, और फिर पॉजिटिव में जैसे ही बड़ा होता है वैसे ही, ठीक है, फोर, और सबसे बड़ा क्या है, फाइव। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये इंक्रीज, असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको प्रॉपरली करना है। और अगर इसको नंबर लाइन में शो करना चाहते हैं तो नंबर लाइन में कैसे शो होगा, बीच में क्या होता है, ज़ीरो, आपको मालूम है। अब पॉजिटिव नंबर्स कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड में, कहाँ पे शो होंगे, राइट हैंड साइड में, तो आपको मालूम है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। तो लो ये हमारा हो गया फोर, ये हमारा हो गया फाइव, तो ये रहा फोर, ये रहा फाइव, और यहाँ से पहुँचते माइनस वन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में जाता है, तो माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है। तो माइनस फाइव हमारा ये रहा, और माइनस वन हमारा ये रहा, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन पर भी प्लॉट करना है तो ये नंबर लाइन पर हमारा ये प्लॉट हो गया, ठीक है। तो नंबर लाइन ऐसे प्लॉट होता है, सिक्स क्लास में आप लोगों ने सीखा हुआ है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर वन, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपका होमवर्क है, ठीक है। बुक लीजिए बेटा स्कूल से, क्योंकि मैथ्स बिना बुक के नहीं होगी, और ये क्वेश्चन नंबर वन और टू कीजिए, आपको करना है, ओके, ठीक है। अब आपको
पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आपकी लाइव क्लास में जब मैं लूँगी तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम पर एडिटिव इन्वर्स पे पहुँचते कि एडिटिव इन्वर्स आखिर होता कैसे, कि अगर आपको कोई इंटीजर दिया हो, वो चाहे आपको पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, तो इसका एडिटिव इन्वर्स अगर आपसे पूछा हो तो वो आपको कैसे करना है। मान लीजिए इसमें मान लो 20 क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट 20, ठीक है। अगर और अब आपको इस 20 का, इस इंटीजर का आपको क्या पूछा है, एडिटिव इन्वर्स पूछा है। तो इसका सबसे ईजी अगर आपको करना है तो इसमें क्या हो जाते हैं, जो साइन होते हैं वो आप उसको अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है, इन्वर्स कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लस का है, ठीक है, तो इसका जो आपका साइन है, इसमें कोई जब कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। किसका होता है, जब कोई साइन नहीं, इसमें कोई साइन है नहीं, ये सिर्फ क्या है 20 है, ठीक है, सिर्फ ये 20 है, इसका एडिटिव इन्वर्स करना है, ठीक है। इसका साइन आप अपोजिट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, माइनस ट्वेंटी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि -20 होता तो फिर क्या करते, जो साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसके आगे क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं अपनी तरफ से, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसलिए आंसर जो है हमारा प्लस की ही फॉर्म में, ठीक है। और इधर हमने माइनस लगाया तो ये पहले से ही प्लस में था, प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, प्लस प्लस होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, और एक प्लस दूसरा माइनस फिर भी माइनस, और पहला वाला माइनस दूसरा प्लस फिर भी माइनस, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, इस हिसाब से आपका ये होगा। तो एडिटिव इन्वर्स मान लो 20 है, ठीक है, अपनी तरफ से हमने माइनस सिंबल लगाया, ये प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस, तो इन्वर्स हो गया, एक तरीके से जो साइन है वो इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो इसी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि 10 है, ठीक है, तो इसमें साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, प्लस है, ठीक है। एक अपनी तरफ से मैं माइनस लगाऊंगी तो इसका आंसर माइनस 10 हो जाएगा। और अगर मैं माइनस में ही कुछ लूँ, -35 लेती हूँ, तो अपनी तरफ से एक निशान इसका अपोजिट करना है तो अपनी तरफ से माइनस लगाऊंगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस में। अगर इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो एडिटिव इन्वर्स अगर आपसे पूछा हो ना, तो निशान आप इन्वर्स कर देना, जो साइन है ना उसको आप उल्टा कर देना, प्लस हो तो उसी डिजिट के साथ प्लस का माइनस का निशान लगा देना, और माइनस हो तो उसी के साथ आप प्लस का डिजिट लगा, माइनस का प्लस का आप साइन लगा सकते हैं, ठीक है। और वैसे प्लस का साइन हम कभी भी लगाते नहीं है, ये आपको मैंने 6th क्लास में बताया कि प्लस का साइन कभी भी हम लगाते नहीं है, ठीक है। तो आपको अब एडिटिव इन्वर्स समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, और मैंने पहले आपको क्या समझाया है कि नंबर लाइन पे शो कैसे करना है, और कोई चीज़ पूछा हो तो उसको उसका पता कैसे लगाया जाता है कि उसका क्या इंटीजर होगा, प्लस वाला माइनस वाला कैसा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क था, साथ ही आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे आपको इसमें लाहौर स्पीति है, ले है, शिमला, मसूरी, मैसूर, ठीक है, ये सारे आपको स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके आपको बताने कि इनका टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर डे में कितना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि कैसे, उसमें हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जब आपको समझाया था कि कैसे आपको किसी का निकालते हैं कि कौन से डिजिट पे कौन सा है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है, शिमला का आपको प्रॉपरली दिया हुआ है, शिमला का 5 है, ठीक है। आप इसी से आप इसको बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, बीच में आपका क्या है, 0 है, आप इसको बेस लेकर चलिएगा कि 0 से राइट साइड में जितने भी होंगे वो सारे प्लस के होंगे, और 0 से लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे। जैसे 0 है -1, -2, -3, यानी कि लेह का क्या है, -3, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे स्टेट का, ये जितने भी स्टेट है 1, 2, 3, 4, 5, सारे स्टेट को लिखने हैं, सारे स्टेट को आप लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपरली पहले इसको बनाएंगे, सारे स्टेट को लिखेंगे, और सारे स्टेट का कितना टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, याद रहे। जैसे कि लेह का मैंने आपको बताया कि लेह का टेम्परेचर मैंने आपको बताया अभी कि क्या है, -3 है, पर टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, शो करते हैं, तो आपको डिग्री सेल्सियस में शो करना है, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका ABCD आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट टेम्परेचर ऑफ द ऑल द प्लेसेस, सारे प्लेसेस का टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, जब आप सारा डिफरेंस लिखेंगे ना, सबके लिख लेंगे टेम्परेचर, तो सबसे कम को सबसे ज़्यादा वाले में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौर स्पीति एंड लेह,
ठीक है, दो स्टेट है, इसका टेम्परेचर कितना है, उनका डिफरेंस करना है. और कैन वी सी टेम्परेचर ऑफ लेह एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला. अब क्या करेंगे, लेह और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करेंगे जितना टेम्परेचर निकलेगा, ठीक है, और शिमला से कंपेयर करेंगे क्या वो कम है, ठीक है, अगर कम होगा तो येस, नहीं होगा तो नो. और क्या वो लेह से भी कम है, लेह के टेम्परेचर से भी, तो ये आपको करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है. इसके ऊपर आपका ये पैटर्न है, इस पैटर्न को प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये पैटर्न क्या दिखाना चाह रहे हैं और इसको सॉल्व करें. एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे 500, 400, 300, तो 200, 100 और फिर उसके हाफ क्या होगा, ठीक है, ऐसे आपको ये कम होता जाता है, ठीक है. तो ये आपको करना है, ये आपको पैटर्न आपके बुक में ही चेक होगा. तो आपका होमवर्क हो गया वो ट्राई दिस वाला दो क्वेश्चन, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, और एक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चारों पार्ट और ये पैटर्न, ये आपका होमवर्क है, ठीक है. जो डाउट होंगे लाइव क्लास में क्लियर होगा.